हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। और आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी आ गई है, मगर कहाँ आई है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा और उसके सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो वैकेंसी आई है यूपीएल यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड का, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर ट्रेनी। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि यूपीएल है क्या। तो यूपीएल आपका यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड है और ये जॉइंट वेंचर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और एनटीपीसी इसको दोनों मिल करके चलाते हैं। तो इसके ये दोनों ही इस वैकेंसी को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है यूपीएल। यूपीएल का मतलब आप समझ चुके होंगे, यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है ये आपकी असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर ट्रेनी आई है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई है, क्योंकि इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा आपको ज्वाइनिंग करने के पहले। जब आप ट्रेनिंग कम्प्लीट कर लेंगे उससे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाएगा, जो कि 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो एक जानते हैं कि इसका एज कितना रहेगा, कौन कौन इस वैकेंसी को भर पाएंगे। तो इसका एज आपका 18 to 35 ईयर्स रहेंगे और 1/3/2022 तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपका एज इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, और इस करूँगा कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को ITI होल्डर भर सकते हैं, ओनली फॉर ITI होल्डर के लिए है। और इसमें आपका मेट्रिकुलेशन भी मांगा गया है 10+, आप कोई पर्टिकुलर मतलब कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट एफिलिएटेड से 10th आप किए होने चाहिए, और जो ITI आप करेंगे वो पर्टिकुलर ट्रेड में होने चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फीटर और डीजल मैकेनिक से होना चाहिए। 3 ही ट्रेड मांगा गया है और इसमें आपको पास होना जरूरी है, NCVT और SCVT से एफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और इस वैकेंसी का लिंक मैं आपको अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म 30/3/2022 10 बजे से लेकर के 19/4/2022 को 6 बजे तक आपका ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से जाके इस फॉर्म को भरिए। फ्रेंड्स, सब जानते हैं कि इसमें आपका एग्जाम किस पैटर्न पे होगा। तो एग्जाम आपका 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा और इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको सारा सॉल्व करना पड़ेगा। और तो ये आपका एग्जाम क्राइटेरिया है। इस पोस्ट एग्जाम होगा आपका 2 लैंग्वेज में लिया जाएगा, जो इंग्लिश और हिंदी इसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज रहेंगे, तो आप इजली एग्जाम को दे सकते हैं। जानते हैं कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग कहाँ दिया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग आपका मतलब सारा कंपनी आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा इंडियन रेलवे में, 3 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। और उसके बाद आप जब ट्रेनिंग पास कर जाएंगे तो आपको वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको वहीं पे पोस्ट कर दिया जाएगा जहाँ के लिए वैकेंसी निकली है। तो आपको वहाँ पे स्टाइपेंड में 7,000 per month मिलेंगे और उसके बाद आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा कि इसमें आपका एग्रीमेंट भी साइन कराया जाएगा, जो कि 6 lakh rupees का रहेगा फॉर 5 ईयर्स। आप उससे पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगा, तो आपको पोस्टिंग विंध्याचल वहीं पे मिला जाएगा, क्योंकि वहीं के लिए वैकेंसी निकली है। तो आप वहाँ पे पोस्टेड रहेंगे और आपका जो भी मिनिमम वेजेस रहेगा पर डे और जो भी अलाउंसेस मिलना चाहेगा वो आपको दिया जाएगा। तो आप इस पोस्ट को आप भर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, स्पेशली फॉर ITI के लिए पोस्ट निकला है। तो ITI वाले के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि आप वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो कुछ वैकेंसी अभी आई है जो कि UPL ने निकाला है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। जब तक वैकेंसी अगर आते नहीं आओ, आप सिलेक्शन लेकर जॉब कर सकते हैं। तो आप इसमें जाइए और अच्छे से फॉर्म भरिए, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको फॉलो करिए। और कुछ भी अगर डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कैसा लगा मेरा इन्फॉर्मेशन, आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स।